हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एग्रीगेट क्वांटिटी फॉर M5 ग्रेड कंक्रीट। M5 कंक्रीट हमारा रेशियो होता है 1 सीमेंट, 5 सैंड, 10 एग्रीगेट। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आता है सम ऑफ रेशियो, 1 + 5 + 10 हमारा 16 हो गया सम ऑफ रेशियो। वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट 1.54 to 1.57 हम लेते हैं, जो कि हमारा श्रिंकेज और सेफ्टी फैक्टर है। अब हमने अज्यूम कर लिया हमें 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क में निकालना है कि एग्रीगेट सैंड और सीमेंट की क्वांटिटी कितनी लगेगी। अब हम सबसे पहले निकालेंगे एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर इक्वल टू एग्रीगेट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 1.57। एग्रीगेट रेशियो 10 बाय सम ऑफ रेशियो 16 इंटू 1.57। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 0.98125 m³। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट 0.98125 m³ लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर सैंड रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 1.57। 5/16 × 1.57 इसे हम सॉल्व करते हैं, हमारा आता है 0.490625 m³। वॉल्यूम ऑफ सैंड इतना लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर सीमेंट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 1.57। सीमेंट रेशियो 1 बाय सम ऑफ रेशियो 16 इंटू 1.57 सॉल्व करते हैं, हमारा आता 0.098125 m³ वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को हमें अब वेट में कन्वर्ट करना है, तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए वेट ऑफ सीमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है हमारा 0.098125 × 1.47 होता है हमारा 1440। इसे हम सॉल्व करते हैं, हमारा 141.3 वेट ऑफ सीमेंट आ गया। अब हम जानते हैं कि एक बैग सीमेंट का वेट 50 kg होता है, तो नंबर ऑफ बैग सीमेंट इक्वल टू हमारा 141.3/50 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ गया 2.826 बैग। या आप इसे कह सकते हैं कि 3 बैग सीमेंट लगेगा। M5 ग्रेड कंक्रीट को जब हम 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क में यूज करेंगे तो हमारा एग्रीगेट 0.98125 m³, सैंड हमारा 0.490625 m³ और सीमेंट बैग हमारा 3 बैग लगेगा।